खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिला पंचायत का चुनाव संपन्न होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह को बनाया गया था। वहीं जिला पंचायत के स्थायी समितियों के सभापति सदस्य जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 29 से अनीता सुमन को निर्विरोध स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास का सभापति बनाया गया। उसी को देखते हुए उनके समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने सम्मान सभा का कार्यक्रम किया, जहां अनीता सुमन के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा। वहीं स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा को सुधारने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है। अनीता सुमन के द्वारा महिला एवं बाल विकास को भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। सम्मान सभा में काफी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पुष्प गुच्छ के साथ लोगों ने सम्मान किया एवं खुशी जाहिर की। अनीता सुमन ने महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग में चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 32 से बूटी कोल मऊगंज अध्यक्ष राम खेलावन साकेत, पूर्व अध्यक्ष शिवलाल साकेत, हनुमाना जनपद के कई सरपंचों ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। संत गुरु रविदास जी अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे। क्या प्राथमिकता रहेगी पहले आपकी? मैं महिला बाल विकास की मैं चेयरमैन बनने के बाद मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि आंगनबाड़ी, क्योंकि मैं महिला बाल विकास की चेयरमैन बनी हूँ, तो मैं ये सबसे पहले मैं देखूंगी कि हमारे यहाँ परियोजना अधिकारी को मैं बुला के उनसे मैं पूछूंगी कि हमारे यहाँ जो संचारित आंगनबाड़ी हैं उसमें क्या समूह में क्या खाद मतलब कि क्या पोषण आहार चल रहा है और समय से आंगनबाड़ी लगती है कि नहीं लगती है। जैसे देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है, ज़्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका रहता है, क्या आपको मैं उद्देश्य रहेगा स्वास्थ्य विभाग में? आप नहीं, मैं खुद मैं देखी हूँ कि कई स्वास्थ्य विभाग में ताला बंद है, वहाँ कभी भी डॉक्टर नहीं जाते हैं ना कोई कर्मचारी रहते हैं। मैं उसको खुद ही मैं लिख के दूंगी कि उसका निरीक्षण किया जाए। मैं यहाँ से लेके मैं दिन तक मैं ये बात रखूंगी। संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? संबंधित कर्मचारियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि मेरे आने के बाद वो सुधर जाए और टाइम से अपना टाइम टू टाइम मतलब कि ऑफिस खोले और अपने हमारे जो गरीब समाज के जो लोग हैं वो समय से ऑफिस खोले और उनकी ट्रीटमेंट करें स्वास्थ्य विभाग वाले, और आंगनबाड़ी वाले सुधर जाए। नहीं तो मैं डेली मैं जा करके मैं चेक करूंगी और अगर मैं पाऊंगी गलती तो मैं उनको सस्पेंड कराऊंगी। अंत में आम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? आम लोगों के लिए मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में तो सबके लिए मैं बात रखूंगी। आम लोगों के लिए मैं ये संदेश रख कहती हूँ कि खासकर मऊगंज नहीं पूरे रीवा जिले के लोगों के लिए मैं काम करूंगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीता सुमन, जिला पंचायत क्षेत्र 29, सभापति महिला बाल विकास। धन्यवाद।